बसमिलीम अलक्म वाला वर्क़ हर शख़्स की रूह नींद के आलम में वजूद के कफस से निकल कर रो ज़मीन की सैर करती है हती के ख़लाओं की और आसमान की भी सैर करती है जैसा कि हमें मालूम है कि रूह की खुराक अल्लाह और अल्लाह के असूल मकबूल सल्ही वसम का ज़िक्र है अब हम अपनी मामूलत ज़िंदगी के अंदर रूह को जिक्र से खुराक देते नहीं हैं और उम्मीद लगाते हैं कि हमारी रूह आलम ख़्वाब के अंदर बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ करे नाना मुमकिन नहीं है हर वजूद की रूह उस बंदे के आमाल के हिसाब से सफ़र करती है जो दिन को धोखा देता है जुल करता है अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्हु वसलम के अहकाम से बगावत करता है तो रात को उसकी रूह भी वैसे ही परेशानियों में गिरी पड़ी होगी और जो दिन को तहारा तो पाकिदगी की मशक करता है रात को उसकी रूह भी वैसे ही अच्छी अच्छी जगह और मुबारक मकाम पर सफ़र करेगी बल्कि अच्छे अहतमाम के साथ वज़ू करने यानी दुआएँ पढ़ के वज़ू करने और फिर बावज़ू रहने और बावजू सोने वाले की रूह अल्लाह के अश के सय में पहुँच जाती है अल्लाह के आश के सय में ऐसी रूह की हालत सज्जे जैसी होती है यानी न सिर्फ अर्श के सये में रूह पहुंच जाती है बल्कि सज्जा शुक्र बजा लाती है ये बावजूद रहने की बराक़ात हैं वज़ू मोमिन का हथियार है और मोमिन का खुलम खुला दुश्मन इब्लीस है जब आप बावज़ु रहते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इब्लीस को ही होती है उस तकलीफ के बदले में इबलीस आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है मगर वज़ू जैसा हथियार आपकी मदद करता है इबलीस के मुकाबले में बावज़ु रहने से इबादात और सदा शुक्र भी आसान हो जाता है हम वज़ू की हकीकत को भूल चुके हैं वज़ू मुहाफ़ है चूँकि बावज़ु शख्स के साथ अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम आ जाता है वज़ू रबा है बल्कि वज़ू खुद इबादत है और ऐसी इबादत है कि जो बड़ी बड़ी इबादत के साथ बंदे को जोड़ती है वज़ू बंदे को बैतुल्ला के साथ जोड़ता है वज़ू जो इतनी बड़ी इबादत के साथ बंदे का जोड़ पैदा करता है तो सोचें वज़ू खुद कितनी बड़ी इबादत होगी नबी करीम वसल्लम ने फरमाया अगर तुम हमेशा बावज़ू रहने की इस्तात रखो तो ऐसा ही करो क्योंकि मलाकुल मौत जिस बंदे की रूह वज़ू की हालत में कब्ज़ करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है नंबर दो एक बुज़ुर्ग बैठे वज़ू कर रहे थे किसी ने कहा कि आप क्या बार बार वज़ू करते रहते हैं बुज़ुर्ग ने बड़ा काबिल गौर जवाब दिया कहा कि पुत्र मुसलमान ने जब भी अपनी तारीख लिखवाई है मुसलमान की जब भी तारीख लिखी गई है या मुसलमान ने जब भी अपनी तकदीर बदली है या तो ख़ून से तकदीर बदली है या तो पानी से अपनी तकदीर को बदला है मालूम हुआ कि हम भूल गए हैं अगर हमें किसी ने बताया भी तो हमने सुनी अनसुनी कर दी पानी के साथ हमारा बड़ा गहरा और पुराना रिश्ता है क्योंकि पानी के बिना तहारत मुमकिन नहीं पानी हमें व़ू तक पहुंचाता है और वज़ू हमें अल्लाह के आगे झुकने और सद्दे की तोफीक देता है वज़ु ताकत है वज़ु ताल्लुक है वज़ु रबता है अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्ला वसल्लम के साथ नंबर तीन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के पास एक तंगदस शख्स आया अपने हालात बयान किए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाल वसलम ने फरमाया हमेशा बावजू रहा कर काफ़ी अरसे के बाद जब वो सहाब रसूल आप सल्लाम की खिदमत अगदस में वापस तशरीफ़ लाया आका आकाश साल वसल्लम ने हालात पूछे तो वो शख्स कहने लगा कि बावजू रहने की बरक़त से अल्लाह ने बेशुमार रिस्क अता कर रखा है बल्कि इतना रिस्क कि अब मैं मोहल्ले वालों और दीगर बस्ती वालों को भी पालता हूँ सो मालूम हुआ कि बावजू रहने से कुशादा और बरकत वाला रिस्क भी मिलता है नंबर चार अल्लाह के हबीब अलैहि वाल वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि बावजू होकर सोया करो बावजू सोने से अल्लाह पाक आपके सीने पर एक नूरानी फरिश्ता मुकर फरमा देता है जो कि सारी रात आपकी हिफाजत करता है एक बुज़ुर्ग दिन के औकात में लोगों को कलामुल्ला शरीफ पढ़ाया करते थे रात को इन बुजुर्ग के घर एक डाकू आ गया वो डाकू जब भी छत से नीचे आने की कोशिश करता तो क्या देखता है कि दो चार उम्र बंदे कुरान पढ़ रहे हैं डाकू यह देख कर चला जाता मगर मुसलसल सात रोज तक आता भी रहा मगर यूं ही रोज़ाना यही माजरा देखने को मिलता बिल आखिर किसी बहाने से बुज़ुर्ग से कहा कि आप दिन को भी कुरान पढ़ाते हैं और रात को भी आराम नहीं करते बुज़ुर्ग ने जवाब दिया नहीं मैं तो रात को सो जाता हूँ और किसी को कुरान नहीं पढ़ाता डाकू समझ गया कि मामला कुछ और है आखिर तहकीक के बाद मालूम हुआ कि वो बुज़ुर्ग रात को बावजूद होकर सोया करते हैं ये कमालात हैं बाजू रहने और बावजु सोने के आपके साथ आपकी हिफाज़त के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते आ जाते हैं अल्लाह के हबीब वाली वसल्लम ने फरमाया कि कल बरोज़ कियामत मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा सहाबक राम ताला तम अज़माइन ने पूछा ये रसूलुल्लाह वो कैसे हाक सल्ला वसलम ने फ़माया कि जैसे तुम कले घोड़ों में अपने सफ़ेद घोड़ों को पहचान लो ऐसे ही आका सल्हु वसलम ने फमाया कि मैं अपने उमतियों को उनके चेहरों, पिशानियों, हाथों और पाँव से पहचान लूँगा क्योंकि वज़ू करने की वजह से मेरे उमतियों के चेहरे सूरज की तरह रोशन होंगे सो मालूम हुआ कि वज़ू सहारा भी है वज़ु निजात भी है वज़ू पहचान भी है मगर अफसोस कि हम वज़ू जैसी अजीम सुन्नत को भूल कर तंगे रिज़ के शिकवे करते फिर रहे हैं वज़ू करने से इंसान के गुनाह धुल जाते हैं बंदा पाक हो जाता है और पाकि अल्लाह इज़्ज़त को पसंद है क्योंकि अल्लाह ख़ुद पाक है और अल्लाह पाकि को ही पसंद फरमाता है वज़ू तमाम अम्बिया रसूलों की सुन्नत है वज़ू तमाम असाब कराम रज़ील्ला की सुन्नत है और तमाम अल्लाह वालों का अमल भी वज़ू ही रहा है वजू करने से इबादत करना भी आसान हो जाती है हमेशा बवज़ू रहा करें आपकी ज़बान शिक्कों की दुनिया से परे हो जाएगी और शुक्र जैसी दौलत आपको नसीब होगी वज़ू इलाज भी है तमाम बीमारियों से शिफा भी है कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहा करें हर बुरी से बुरी वबा और बीमारी आपके करीब भी नहीं आएगी और रिस्क भी नसीब होगा बल्कि आज की साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि सर का मसा करने कुल्ली करने नाक में पानी डालने हाथों और पैरों को बार बार धोने के कितने फ़वाद हैं हमने आज के डॉक्टर की बात को मान लिया और हाथों पैरों और चेहरे को बार बार धोने लगे हैं मगर अफसोस के चौदह सौ साल पहले बताने वाले कायनात के अजीम डॉक्टर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम की बात को नहीं माना हाथों पैरों और चेहरों को तो धो ही रहे हो तो और हिम्मत करके वजू ही कर लिया करो मगर नहीं तभी तो हम दर दर की ढोकरें खा रहे हैं दरअसल हम अपने सबक को भूल चुके हैं हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाल वसल्लम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है बल्कि मैं बड़े अदब के साथ इसक्राम को अर्ज करता हूँ कि आप अपने तालब इलमों को वजु की बक बताएं और ताकीद करें कि वह कमरा तालीम में बावजू होकर बैठा करें जब बच्चे ऐसा करने लगेंगे तो सबक को याद करना समझना भी उनके लिए आसान हो जाएगा और यही बच्चे अपने इस कराम के दिल से हकीकी इज्जत करने लगेंगे ऐसा करने से बच्चों के दिल में दीन मतीन की महब्बत भी उजागर हो जाएगी हर वक्त बावज़ू रहना खाने से पहले बसमिल्ला वाला बरकतल्ला पढ़ना कसरत से करना यकीन जानिए कि आपके हर काम में वज़ू अल्लाह तबरक की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी मदद और रहनमाई है वज़ू की अहमियत का हक़ हाँ तो मैं अदा नहीं कर सका हूँ लेकिन ये उम्मीद ज़रूर रखता हूँ कि आप आइंदा बावजू रहा करेंगे और ये भी उम्मीद लगाता हूँ कि बावजू रहने की तलकन आप अपने चाहने वालों को जरूर करेंगे अल्लाह पाक हमें वजू की बदौलत ज़ाहिर और बातन की पाकि नसीब फरमाए और अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए सुम्मा आमीन